हालेलुया हालेलुया। गुड मॉर्निंग और जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तमाम तर बुजुर्गी, तमाम तर हशमत और कुदरत के लायक खुदा उनके नाम को ही तमाम सजदे रवा हैं। और इसी सोच के साथ खुदा उनका खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। और दोस्तों, ये उम्मीद और ये ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आज हमें ये नई सुबह बख्शी और इसमें हमारा फरीजा है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तारीफ करें और अपने दिन का आगाज उसके पाक और जलाली नाम के वसीले से करें। प्रेज द लॉर्ड। और आइए मिलकर अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्दुस के नाम में आमीन। नहायत मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश हो खुदावंद। तू जो जलाल का बादशाह परवरदिगार, खुदावंद तू जो सच्चा और बरहक और खुदावंद तमाम तर रहमतों और बरकतों का खालिक और मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया, ये सुबह बख्शी कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरी तारीफ करें। खुदा अजीम अपना रहम कर और खुदावंद हमारी इस सारी खुदावंद सुबह की डिवोशन को कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ खुदा उनकी सिताइश और उसकी तमजीद करते हैं कि यकीनन वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। और जिसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम है और जो हमारे हर तरह के अच्छे और बुरे वक्त में हमारा साथी और मददगार रहता है, उस खुदावन के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों आइए मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें और अपने दिन का आगाज उसके इंतहाई खूबसूरत गीत के वसीले से जो क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है, यीशु छू मेरे जीवन को छू, और मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। Thank you.
खुदा रूह है और वो ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करने वाले हों। और मैं ईमान रखता हूं कि आप जितने अफराद मेरे साथ इस वक्त इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा हैं, आप लोगों ने ज़रूर खुदाउन की तमजीद और उसकी सताइश में अपनी आवाज़ों को बुलंद किया है और खुदाउन से बरकत रिसीव की है। खुदाउन आपको बरकत दे। और दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदाउन के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ तमर अल्फेज मौजूद हैं और आज तमर के वसीले से हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर साहब। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका दूसरा बाप और उसकी 15वीं आयत। और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से मसूह लेने वाले और गुनाहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वह बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी खास बरकत। दोस्तों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत रहे। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। कदूस रहीम मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो खुदा। तुझो जलाल और कुदरत और हशमत और बुजुर्गी और तमाम तर हिकमत और दनाई का सरचश्मा है। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारे जहान को तनवीर बख्श और खुदा अपने कलाम की वो जिला अता फरमा कि खुदा खुदा जिसके वसीले से हम तेरे कलाम मक़दस पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी को उसके मुआफ़िक ढालते चले जाएँ, मसीह के फ़ातह नाम के वसीले से सुन ले बख्श दे, आमीन। खुदावन की तारीफ करते हुए उसके सुंदर कदमों में जब हम हाजिर हैं और उसके नाम को इज्जत जलाल देते हैं, तो अभी हमने खुदावन की हमदो तारीफ भी की है और इसके साथ साथ हमने दुआ भी की और खुदावन के नाम को इज्जत जलाल भी दिया। और अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। और एक मुख्तसर ख्याल है दोस्तों जो आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज अगर आपने खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुना है तो इस चीज़ को हमने आज देखा और जाना कि यहाँ पर मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत को जब हमने देखा, तो इस आयत मुबारका में हमें क्या बात दिखाई देती है कि खुदावन यीशु मसीह का टैक्स कलेक्टर्स के साथ, महसूल लेने वालों के साथ रफाकत रखने का एक वाक्या मौजूद है। और अगर मैं आप लोगों की याद दहानी कराना चाहता हूं और अगर आपको मैं माजी के उन झरोकों में ले जाऊं कि जहां जिस वक्त ये रिफाकत हो रही होगी तो उस वक्त उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस वक्त का माहौल क्या होगा। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनको हम बाइबल मुकद्दस में महसूल लेने वाले के तौर पर समझते हैं, यानी जो लोग टैक्स कलेक्टर्स थे। और याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में ये टैक्स कलेक्टर्स जो थे ये बदनामे ज़माना तसव्वुर किए जाते थे। लोगों की कोई सिंपथी इन लोगों के साथ नहीं थी, आम अवाम इनसे शदीद तंग और परेशानी का शिकार रहती थी। क्यों? उसकी बड़ी वजह ये है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा आम अवाम से चार्ज करते, टैक्सेस की मद में उनसे जो पैसा जो रकम गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती थी ये लोग उससे बढ़कर उससे ज़्यादा पैसे आने जाने वाले शहरियों से और आने जाने जो लोग काफलों की सूरत में शहर में दाखिल होते थे उनसे लिया करते थे। और जिसकी बड़ी वजह क्या थी कि वो बददयानत लोग थे और क्या करते कि जितना हिस्सा गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था उतना तो वो गवर्नमेंट को देते लेकिन बाकी माल जो थे वो अपनी जेबों में डालते चले जाते। और तारीख के झरोके ये बात बयान करते हैं कि ये बहुत तेज़ी से ये तबका जो है ये अमीर से अमीर तर होता चला गया। और उसकी बड़ी वजह क्या थी कि ये नाहक लोगों का माल लेते और उसी माल के वसीले से ये अमीर होते चले जा रहे थे। और यहां तक इनकी इनके बदनामी जमाना होने की बाबत अगर हम देखें तो इन ये इतने ज्यादा नोटोरियस थे
कि अगर किसी शख्स की इनसे दोस्ती हो जाती तो वो भी खतरे में ही रहता था कि कहीं ये शख्स जो हैं, ये महसूल लेने वाले जो हैं, ये कहीं हमारा मालो दौलत ही हड़प ना कर जाएं। और फिर वो वक्त आता है कि जब खुदावन यीशु मसीह का आना हुआ और जब खुदावन यीशु मसीह इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं कि एक वो भी वक्त आता है कि जब खुदावन यीशु मसीह महसूल लेने वालों के साथ बैठे हैं, यानी उन बदनामे ज़माना लोगों के साथ, उन बुरे लोगों के साथ कि जिनके हवाले से आम परसेप्शन क्या है कि ये बददियानत हैं, ये रिश्वतखोर हैं और हर तरह की बुराई इनके अंदर मौजूद है। और जिस वक्त वो खुदावन यीशु मसीह के साथ बैठे रिफाकत कर रहे हैं और खुदावन यीशु मसीह उनके साथ खा पी रहे हैं, तो जो लावी यानी जो मज़हब के दावेदार हैं, वो इस बात से शदीद अनॉयड होते हैं, रंजीदा हैं, परेशान हैं, उनको गुस्सा है कि ये अपने आप को एक तरफ तो नबी कहता है, लेकिन क्या इसको पता नहीं कि ये कैसे लोगों के साथ बैठा हुआ है, ये क्यों कर उन लोगों के साथ बैठा है। और इसका सवाल वो किससे करते हैं? खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों से। और उसको कहते हैं कि यीशु जो है, यानी जीसस क्राइस्ट जो है, वो क्यों महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है, क्यों उनके साथ बैठता है। लेकिन दोस्तों, शायद आज ये सवाल हमारे जहन में भी उभर सकता है, ये सवाल आज हमारे जहन में भी पैदा हो सकता है कि खुदावन यीशु मसीह जो कि गुनाह से मुबर्रा था, खुदावन यीशु मसीह जिसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई बुराई और कोई गुनाह मौजूद नहीं था, तो वो गुनहगारों के साथ क्यों खाता पीता और क्यों उनके साथ बैठता था। और आज जब हम खुदावन के कलाम को देखें तो इस मसले को आज एक फ़र्क अंदाज से भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और वह फ़र्क अंदाज क्या है कि ज़रूरी नहीं कि जो शख्स बुरे लोगों में बैठा है वो उन्हीं की सी इंटेंशन लेकर उनके साथ बैठा है। अगर खुदावन यीशु मसीह उनके साथ मौजूद थे और उनके साथ रिफाकत रखते थे, तो उसकी बड़ी वजह क्या थी कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि बीमार को तबीब की जरूरत है ना कि तंदुरुस्त को। यानी कहने का मकसद क्या है कि जब इंसान गुनाह की हालत में हो, चाहे वो ज़रूरत से ज़्यादा महसूल लेने का गुनाह है, चाहे वो शराब नोशी का गुनाह है, चाहे वो हर तरह के नशों का गुनाह है, चाहे वो किसी भी तरह की बददियानती का गुनाह है, किसी भी किस्म का गुनाह क्यों ना हो, जब इंसान गुनाह की हालत में ज़िंदगी बसर करता है तो हकीकत में वो क्या है कि जिस्म के अलावा वो रूह का बीमार कंसिडर किया जाता है। और जब तबीब इस ज़मीन पर जाहिर हो गया, जब यहोवा शाफी से निकला हुआ उसका कलमा जो कि शिफा की कुदरत लेकर इस ज़मीन पर जाहिर हुआ, तो उसकी शिफा महज बदनी शिफा नहीं थी, बल्कि वो गुनाह के असीरों और गुनाह के बीमारों की शिफा होकर इस ज़मीन पर आया। हालेलुया, और खुदावन की तारीफ करते हैं। और जब खुदावन यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ खाता पीता और बैठता था, तो हकीकत में वो उनको शागिर्दियत की रूह अता करता, हकीकत में वो उनकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील करता चला जाता। और वो लोग जो कि कल तक महसूल की चौकी पर बैठे थे, वो लोग जो कल तक नाजायज नफे के लालच में हर बददियानती करते, वो एक वक्त आता कि जब खुदावन यीशु मसीह के पीछे पीछे खिदमत की गर्ज से चलने लगते थे। और ये उसकी एक नज़र का कमाल है, ये उसकी रिफाकत का कमाल है, ये उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का कमाल है कि जो शख्स खुदावन यीशु के साथ अपना नाता जोड़ लेता है, फिर खुदावन यीशु उसके तमाम तर गुनाहों को और उसके गुनाह के तमाम तर उन बीमारियों को उसकी ज़िंदगी से दूर करने की कुदरत और सलाहियत रखते हैं। और दोस्तों, आज हम इस बात को देखें और इस पर गौर करें कि वो जो इस दुनिया में आया और तमाम तर हर किस्म के उसने बदकारों के साथ, गुनहगारों के साथ, खताकारों के साथ उसने रिफाकत रखी, लेकिन उसकी ज़ात मुबारक ऐसी पाक और खूबसूरत और ताकतवर रही, उसका किरदार इतना स्ट्रॉन्ग रहा
कि बिल आखिर वही एक शख्सियत हुआ कि जिसने ये सदा बुलंद की कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, और यकीनन कोई आवाज उसके बरखिलाफ ना उठ सकी। और आज दोस्तों, अगर वो बदकारों और गुनहगारों में बैठा तो किस लिए कि उनको बाप की उस बादशाहत का हिस्सा बनाए, ताकि कोई गुनहगार जो है वो खुदा की बादशाहत से बाहर ना रह जाए। और यहां मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत शेर याद आता है, कांटों में घिरे फूलों को चूम आती है लेकिन तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। और आज ये भी एग्जैक्ट सिचुएशन जो है ये खुदावन यीशु मसीह की जाते मुबारका में भी हम देखते हैं, कि जब वो बदकारों के साथ खाता पीता, गुनहगारों के साथ रफाकत रखता, लेकिन उसका उसकी जात, उसका करेक्टर इस कदर मजबूत कि कोई शख्स जो है उसके किरदार पर उंगली ना उठा पाया। और मेरे दोस्तों, आज हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज वो हमारे साथ भी रिफाकत रखना चाहता है, आज वो हमारे दिलों में भी उतरना चाहता है। लेकिन आज हम इस बात को सोचें कि क्या हम सिर्फ उसकी जात पर, क्या हम दूसरों की जात पर सिर्फ तनकीद करने वाले लोग हैं, क्या हमारी जिंदगी जो है इस लायक है कि मसीह खुदावंद आकर हमारे साथ रिफाकत रखे। शायद हमारी जिंदगियां भी उस महसूल लेने वालों की तरह कहीं ना कहीं खता से भरपूर जरूर होती हैं, कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में गलतियां जरूर सरजद होती हैं। तो अगर आज वो मेरे साथ, अगर वो आज आपके साथ, अगर वो आज हमारे किसी भाई या बहन के साथ यीशु रफाकत रखने को आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा रवैया क्या होगा, हमारा सवाल क्या होगा, हमारी सोच क्या होगी, हमारी तनकीद करने का अंदाज क्या होगा। और ये एक अहम सवाल है जो आज हम सबों के लिए है। और आज मेरे दोस्तों, इस बात पर गौर करें कि खुदावन यीशु इसलिए इस जमीन पर आया कि गुनहगार अपने गुनाहों से रिहाई हासिल करें, उसने इसलिए खताकारों के साथ रिफाकत रखी कि उनको गुनाह की दलदल से निकालकर शाही कहनों के फिरके में शामिल कर दे। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और आज हर गुनहगार के लिए ये मोहब्बत की सदा है, आज हर गुनहगार, हर खताकार के लिए ये आस और उम्मीद का पैगाम है कि हमारा मुनजी आया ही इस जमीन पर खताकारों और गुनहगारों के लिए था, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन हम सबों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमान जमीन के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा हम तो अपने जलाल और अपनी बरकत की और अपने मोहब्बत की निगाह हम सबों पर जाहिर कर, और खुदा हम देख जाने जाने में जो खताएं हमसे होती हैं उनके लिए माफ़ी के खासगार हैं, तू बख्श दे। और प्यारे वापस मानी तो हम सबों को ये तौफीक अता फरमा कि हम अपनी जिंदगियों में पहला दर्जा तेरे नाम को दें, तेरे कलमे के नाम को दें, तेरे रूल कुद्स को दें, ताकि खुदा उन हमारी जिंदगियां परवान चढ़ें, तरक्की पाएं, और खुदा उन हम इस ज़मीन पर ही नहीं बल्कि तेरे आसमान पर भी सुरखरू हो सकें। खुदा उन यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम यूट्यूब फैमिली और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ वकारिब के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश हो। और इसके साथ साथ रुख्सत होने से कबल मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि
कि मॉर्निंग डिवोशन को ज़रूर अपने दोस्त अहबाब, अपने जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं, ज़रूर उनके साथ शेयर करें, और ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके और बहुत सी जानें जो हैं वो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुनकर उससे बरकत हासिल करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावन आप सब लोगों के साथ हो। और अब अपने भाई पादरी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए, कल फिर से एक नई सोच, एक नए ख्याल के साथ खुदा उनके हजूरी में हाजिर होंगे। खुदा उन आपको बरकत दे। आमीन।